hello welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see। और हाँ, आज जल्दी क्योंकि yes there is अपने standard time में match, और वो होने वाला है इंडिया का मैच, बहुत important match, not just a match, it's an entire tournament, एक kind of qualifier जो मेरे ख्याल से confidence booster होने वाला है, considering जो हुआ इंडियन फुटबॉल का, we'll be talking एक घंटे में। लेकिन यार शोभित भाई बैक इन द हाउस फ्रॉम फुटबॉल नुक्कड़। थैंक यू यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यार काफी दिन हो गए, वही है मतलब बारसा बाहर हुई थी लास्ट टाइम, नो पन इंटेंडेड, लेकिन अच्छे डिस्कशन हुए थे काफी, लेकिन इंडियन फुटबॉल के बारे में भी काफी चीज हो गई लास्ट 2 महीने में जब से हम मिले। तो मतलब क्या लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फीफा बैन एंड ऑल दैट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? क्या लगता है वो तो काफी रिस्की सिचुएशन है, बट पॉसिबल मेरे को नहीं लगता कि यार इंडिया जैसी कंट्री को बैन कर देगी फीफा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके रिपरकशंस उस पे भी आएंगे, क्योंकि हमारी जो मार्केट है ये सब है, तो हम कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, जैसे जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था हमारे यहाँ, तो वो अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड कप अंडर 17 लेवल पे जो हमने करवाया था, जिसमें सबसे ज्यादा टर्नआउट हुआ था, मतलब आए थे लोग। तो फीफा को भी पता है भाई पॉपुलेशन हमारे पास ऑडियंस है, तो वो इतनी जल्दी से तो बैन करेगा नहीं। एंड जो भी है वो एक जॉइंट कमेटी जो है भिजवा रहे हैं यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सब सही कर देंगे। एएफसी और फीफा की एक जॉइंट कमेटी बनने वाली है जो यहाँ पे आके करेंगे। एंड सीओए मतलब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब बहुत हो गया, क्योंकि 12 साल के ज़्यादा भी आप मतलब एक जो हमारे प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट थे, तो वो बैठे हुए थे एंड 12 साल से ज़्यादा उनका टाइम हो गया था, एंड इलेक्शंस उन्होंने पोस्टपोन करा दिए थे कैसे भी करके, तो वो स्पोर्ट्स कोड को वायलेट करता है। तो ये इतना सही मैटर था, तो सुप्रीम कोर्ट का आना तो बनता ही था, क्योंकि यहाँ पे लॉज एंड रूल्स जो है वायलेट हो रहे थे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है। एंड लेट्स सी, आई होप सो कि बैन ना पड़े। बिल्कुल और यार काफ़ी लोग जुड़ गया, बाय द वे आई नो दैट काफ़ी मतलब अफवाहें काइंड ऑफ फैल रही है लास्ट 1-2 घंटों में, और हमने बात करना है उसके बारे में, लेकिन फैक्ट इज लाइक एवरीवन लाइक गेटिंग योर प्रेडिक्शंस, क्योंकि यस लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, जैसे मैंने बोला इट्स अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर पोटेंशियली, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन बी बनाना स्किन, और उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफायर जो है तीनों ही टीम्स काइंड ऑफ बिलो इंडियन रैंकिंग्स, लेकिन अगेन टॉकिंग अबाउट AIFF, जस्ट टू एंड दैट टॉपिक जो हम बात करते हैं शोभित भाई, लाइक हायरार्की AIFF की, लाइक आफ्टर प्रफुल पटेल व्हाट आर यू सीइंग, लाइक इंप्रूवमेंट और बेसिकली we should give them time, how is it? मतलब टाइम तो देना ही पड़ेगा, जो भी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आएगा मतलब ऑब्वियसली आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि एक ही बारी में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, एंड काफ़ी चीज़ें बदल रही है। मोस्टली तो यार हमें ग्रास रूट पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमारा मतलब जो एज ग्रुप वाइज जो हमारी टीम्स है उन पे ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छा करे, क्योंकि फिर बाद में वही होता है कि ऐसे प्लेयर्स जब मतलब प्लेयर्स को मैं अभी सुना नहीं रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका मैनेजर है वो कहते हैं कि हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो मतलब पोजिशन फुटबॉल खेले, ये सब खेले, तो ये अगर आप वो 15-18 साल से ऐसा फुटबॉल खेलते हुए आए हैं जहाँ पे उन्होंने मतलब मोस्टली इस टाइप का फुटबॉल नहीं खेला है, और फिर एकदम से आपका मैनेजर आके बोल देता है कि नहीं भाई अब हमें ऐसा खेलना है, अब आपको बॉल होल्ड करनी आनी चाहिए, अब आपको मतलब आपके टचेस अच्छे होने चाहिए, तो वो मैनेजर आके नहीं करेगा, वो आप 5-6 साल में सिखाओगे अपने प्लेयर्स को। तो वो हर एक लेवल पर होना चाहिए, राइट? वो एक लेवल पर होना चाहिए, हाँ, वो एक दिन में नहीं होने वाला। तो जो नई मतलब नए प्रेसिडेंट भी आएंगे वो सब आएंगे, तो उनका तो काम है कि वो ये सब प्लान्स पे थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे मतलब फुटबॉल बेटर हो, और ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप पे देखें। जैसे इंडिया की जैसी अभी हालत है फुटबॉल में, तो अभी हमें 1-2 वर्ल्ड कप अभी तो बहुत दूर है मतलब एक टाइप से, बट अगर हम एक लंबा गोल लगा के चले कि चलो 10 साल का हम टाइम देते हैं, जैसे और भी 34 का प्लान है, मतलब फ्रॉम व्हाट आई 34 का मतलब वो तो लाइक रंजीत बजाज सर का एक टाइप से अगर आप देखोगे वो तो मतलब एक उनका अलग प्लान है, उसको AIFF कितना बैक करेगी वो भी नहीं पता, उनको फंडिंग मिल जाए तो भाई वो क्या कर देंगे। मतलब इतने प्रोडक्ट्स तो मिनर्वा अकेडमी से आए हैं, तो वो बात अलग है, वो तो अलग कॉन्वर्जेशन है, बट हाँ अगर AIFF भी खुद ही अपने उससे करती है तो बहुत फायदा रहेगा एंड चीज़ें बेटर हो सकती है। बिल्कुल यार काफ़ी लोग जुड़ गए, बाय द वे एवरीवन यार प्लीज़ कंसीडर लाइक करो, और आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नॉट ओनली टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, हमारा 2 चैनल है, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस जहाँ पर हम काफ़ी कंटेंट करते हैं अबाउट फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स, लेकिन हाँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि आप लोग आए हो इवन इट बीइंग अर्ली, लेकिन हाँ बाई चांस आपने फुटबॉल नुक्कड़ को नहीं किया, प्लीज 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 डू एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे पता है यार शोभित इज ट्राइंग रियली हार्ड, एंड ऑफ कोर्स इट इज ईच वन ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर्स ड्यूटी, एंड ऑफ कोर्स जो भी व्यू कर रहा है कि यार एज मच एज पॉसिबल इंडियन फुटबॉल एशियन फुटबॉल को ज्यादा बढ़ा है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट Obviously आज यहाँ पर है क्योंकि it is AFC Asian Cup qualifiers and getting into the topic absolutely. और यहाँ थोड़ा सा मैं फॉर्मेट समझाना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है काफी व्यूअर्स मेरे हैं और काफी जनरली भी व्यूअर्स हैं who might not understand what exactly you know it takes to get to that you know AFC you know Asian Cup qualifiers absolutely. तो एक है आप देखिए मतलब honestly one thing everyone should know AFC Asian Cup is the second oldest continental tournament after Copa. That is a fact. मतलब हम बात ही कर रहे थे अर्जेंटीना बारसा की और ऑल दोस थिंग्स यू नो लास्ट स्ट्रीम आई रिमेंबर शोभित भाई के साथ लेकिन वही है कोपा की बात किए थे हमने दैट इज द सेकंड यू नो ओल्डेस्ट कंपटीशन और इंडिया एम कर रही है अपने फिफ्थ एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन के लिए और फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑब्वियसली वी डिडंट गेट थ्रू सेकंड राउंड इज वेयर वी काइंड ऑफ यू नो प्लेड वहां पर हम ऑब्वियसली यू नो वी केम थर्ड इन द ग्रुप व्हिच वाजंट गुड इनफ लेकिन इज द थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफायर यहाँ का सिंपल फॉर्मेट है I know आज तो कैम्बोडिया के साथ है मैच टेक्निकली लेकिन वी आर हैविंग आई थिंक हांगकांग एंड अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में है ग्रुप डी में है और टोटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 ग्रुप्स है शोभित और 6 ग्रुप्स में से अभी 13 ऑलरेडी क्वालिफाई हो गई क्वालिफाइड है 13 क्वालिफाइड है अब ये प्रॉब्लम एक होने वाला है पॉसिबली कि चाइना जो होस्ट नेशन होने वाली थी वो वहां पे नहीं होने वाला मैं मतलब एग्जैक्टली तो वो एक स्पॉट बाकी तो वो स्पॉट क्या एक नया होस्ट नेशन को जा सकता है या एक नया you know team ko ja sakte I don't know so six group winners or four best runners up jahan meri samajh aayi aur fifth team ka thoda sa abhi question mark hai I don't know it might be the host if it's a new country or ek fifth you know best runners up hoga absolutely lekin Cambodia on the other hand ha India ka fifth target kar rahi Cambodia have qualified I think for Asian Cup only once aur wo ranked 171 again nothing against them लेकिन 60 प्लस ईयर लॉन्ग हिस्ट्री उनकी भी तो ऐसा नहीं है कि यार उनकी बहुत हिस्ट्री है सो कम ऑन वी हैव टू डेफिनेटली यू नो विन इट एंड नॉट जस्ट विन इट शोभित मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग यार इंडिया शुड टॉप द ग्रुप अगर बाय चांस टॉप नहीं करती तो व्हाट बी द कॉन्सिक्वेंसेस स्टमक सैक हो जाएगा भाई मतलब हमारे मैनेजर साहब फॉर श्योर अगर यहाँ पे अगर हम टॉप नहीं करें तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब कुछ भी आपने बेटर करा है आपको ठीक है आपका पिछला ग्रुप फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल था जबकि कर लेना चाहिए था आपको आप सेकंड में फिनिश करते बट हाँ यहाँ पे तो ये तो इतना इजी ग्रुप है यार सबसे आप मतलब रैंकिंग वाइज सबसे बेस्ट टीम हो एंड ये आएंगे इस पे भी आएंगे अनीस भाई जो आप कह रहे हो कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने जो बोला उस पर आएंगे बट अभी थोड़ा मैच की बात कर लेते अगर मैच होता है तो क्या होता है तो हाँ इसके तो यही है कि स्मैक पे ही मतलब जो है सारी गाज गिरेगी एंड हमारे प्लेयर्स के लिए भी बहुत डिमोटिवेटिंग रहेगा यार अगर आपके पास एक ऐसा मैं आपको ग्रुप दे रहा हूँ जिसमें आप एकदम क्लियर विनर्स हो एंड वहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे बॉटल कर देते हो तब आप क्या प्रोजेक्ट है आपका 3 साल से आप आए हो 3 साल से बैठे हुए हो एंड ठीक है अब 3 साल बाद वैसे भी मतलब इंडिया में मैच हो रहा है काफ़ी टाइम बाद इंडिया में मैच हो रहा है आपको होम एडवांटेज मिलने वाला है 50,000 मतलब बंदे आने वाले हैं कोलकाता का क्राउड है भाई वोकल क्राउड है सामने वाले के लिए मुश्किल रहने वाला है गेम कंबोडिया अफगानिस्तान हांगकॉन्ग के लिए तो आप अगर वहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो आपने करा क्या इन 3 सालों में आपकी बेस्ट 11 आपने अभी तक नहीं ढूंढी है आप बोलते रहते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे आपकी बेस्ट 11 अभी तक नहीं आई है तो स्मैश पे रहेगा आई गेस कि अब हमें मतलब नए मैनेजर्स पे ध्यान देना पड़ेगा अगर बाय चांस हम नहीं करते बट काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हम कर जाएंगे यार इस ग्रुप को टॉप तो इस्तेमाल के नो एक कॉमेडी एलिमेंट किया और भाई यार जो भी देख रहे हैं यार आप कोई नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज़ आई वांट मोर ओपिनियन हम बात करें मैं और शोभित बात करें तो काफी क्वेश्चन शोभित के लिए जा रहे हैं इट्स फॉर एवरीवन वाचिंग एज वेल ऑब्वियसली अगर कोई नए हैं तो इंडियन फुटबॉल टू एशियन फुटबॉल जनरली एज इन फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन शोभित आर एक्सपर्ट इन द हाउस इज देयर डेफिनेटली राइट यू नो लेकिन हां एक चीज में मुझे याद है टीमर्स का 2014 में आई थिंक 2013 में ही हेल्प क्रोएशिया क्वालीफाई फॉर द वर्ल्ड कप लेकिन वो ही वाजंट देयर इन 2014 मतलब दैट इज अ बैड लक तो मतलब लेट्स होप दैट ही गेट्स टू इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल लाइक वी रियली होपिंग लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके पहले मतलब ऑल द हार्ड वर्क गोस इन वेन अगेन मतलब प्रीटी श्योर वो नहीं चाहेगा रिपीट होना हिस्ट्री especially you know coming from Croatia to India absolutely वो तो नहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मतलब उसका क्या था कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल ही खत्म हो गया था फिर एनी सॉर्ट ऑफ गेम्स के लिए उसको एक्सटेंड करा था अगर यहाँ पे टीम बढ़िया करेगी तो मतलब उसके पास चांस थे कि उसका एक्सटेंड हो जाएगा तो यही वाली बात है कि ठीक है मतलब अगर आप वैसे देखोगे ना परफॉर्मेंस मतलब जितने भी हो रहे हैं मतलब अगर आप देखोगे तो वो तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मतलब वो तो मतलब बिलो एवरेज ही खेलती है टीम। हमने इससे बेटर फुटबॉल देखा है कहीं ना कहीं। स्टीफन बार बार बोलता हूँ मैं, अपने आप को रिपीट करता हूँ, बट ठीक है, हम इस स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे बढ़िया फुटबॉल खेलते थे। मतलब चाहे वो थोड़ा प्रैग्मेटिक था, चाहे वो थोड़ा सिटबैक कराता था, बट काउंटर पे टीम लीथल थी। यहाँ पे क्या क्या प्ले स्टाइल है कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये कॉन्स्टेंटाइन को तो अलग ही बात है। मतलब वही, मतलब मैं शेयर किया हूँ पहले भी, मतलब हमारा पहले इंडियन कॉन्टेंट करते हैं, लेकिन बीच में मैं थोड़ा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगेन आई ट्रैवल अ लॉट ना। तो मुझे याद है यार, एक समय आ गया था when I was like you know crazily following Indian football more for a year जब Constantine was you know our manager, लेकिन वही मतलब the way वो end हुआ ना scene, मतलब really disappointing, और फिर it went down। वो एक kind of you know एक है Indian football का मतलब story रहा है, मतलब last कुछ सालों से, मतलब that's a fact। But again lot of people asking कि कहाँ आने वाला है, from what I know Star Sports 3 पे आएगा क्या? हाँ, Star Sports पे, मतलब स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आएगा यार कोई से भी, और हॉटस्टार पे आ जाए, हॉटस्टार पे आएगा, जियो टीवी पे आएगा, सुन रहा था मैं जियो टीवी पे भी अवेलेबल रहने वाला। ग्रेट ग्रेट। लेकिन हाँ मतलब ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इट्स अबाउट दिस थिंग। मतलब आप थोड़ा बैकग्राउंड दे दो यार शोभित, फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ है। तो ये तो अभी जस्ट ताजी न्यूज आई है कि मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि 3 घंटे के अंदर अगर AFC IFA जो मतलब बंगाल की एसोसिएशन है और जो भी ऑर्गेनाइज करा रहे टूर्नामेंट, अगर उन्होंने अपॉलॉजी जो है नहीं करी इशू, तो भाई कंबोडिया विड्रॉ कर लेगी एंड मतलब बिना खेले वापसी आ जाएंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो मतलब यहाँ पे AFC IFA और ऑर्गेनाइजर्स ने मतलब जो टीम आई थी उसका सही से ध्यान नहीं रखा, उनको फूड नहीं दिया, अकोमोडेशंस नहीं दिए, और नेशनल फ्लैग भी उनका अवेलेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती तो है इसमें, बट अब ये नहीं पता अगर कंबोडिया विड्रॉ कर लेती है तो वो 3 पॉइंट्स इंडिया की जेब में जाने वाले हैं या फिर क्या होएगा। बट काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि मैच कैंसिल भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक हम टाइम है, मेरे ख्याल से 3 मैच डेज इज व्हाट यू टॉकिंग। बाय द वे जो ग्रुप मैंने बोला ना, हर एक टीम दूसरे टीम के साथ एक बार खेलने वाली बस, राइट? हां, एक ही, हां, ऐसा नहीं कि डबल लेग है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये 2023 में होने वाला था, अगेन नॉर्मल सिनेरियो में, जहां तक मुझे याद है शोभित, ये जनवरी फरवरी के महीने में होता है या मार्च में होता है, जनवरी टू मार्च के बीच में होता है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप है इसलिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में शायद होगा, करेक्ट? तो नहीं, वैसे लास्ट वाला 2019 में ही हुआ था, तो अगर 4 साल के हिसाब से लगाए तो 2023 में ही बनता है। हाँ, 2023 में, लेकिन वो महीने का थोड़ा फर्क। हाँ, महीने का वो रहेगा क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जैक्टली तो समर के दौरान होगा ये, मतलब जस्ट आफ्टर समर यू कैन से। लेकिन हाँ, अगेन टॉकिंग अबाउट द कैम्बोडिया प्रेसिडेंट, मतलब अगेन यार आई एम होपिंग यार हो, क्योंकि यार इतने दिन हो गए, कितने मतलब बाय द वे थोड़ा सा फॉर्म की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली इंडिया को जीते सैफ कप में, मतलब वो करा था 7 महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया उसके बाद, तो हार रहे, ड्रॉ कर रहे या फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, और वो चलो सही था, 3-0 नेपाल, बहुत ही सही था, लेकिन उसके बाद में थोड़ा मतलब परफॉर्मेंसेस, हाँ चलो दो परफॉर्मेंस मुझे याद है कतार और ओमान के साथ, काफी तगड़े परफॉर्मेंसेस थे, मतलब रियली टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है? हाँ। लेकिन उसके बाद अगेन मतलब वी लॉस्ट 3 इंटरनेशनल फ्रेंडलीज जहां तक मुझे याद है, बेलारूस, बहरीन एंड जॉर्डन। हाँ, वो तो काफी रिसेंट थे तीनों, ठीक है? और बीच में आई थिंक एक मैच भी होता है इंडियन सुपर लीग, आई थिंक एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट हुआ था, 2 मतलब 2-0 हारे थे, आई गेस हम 2-1 या 2-0 हारे थे। एंड I-league ऑल स्टार्स के साथ भी हुआ था, वो ड्रॉ कर लिया था, एक हराया था I-league ऑल स्टार्स को, हरा दिया था। एंड बंगाल के साथ हमने ड्रॉ करा था, बंगाल की जो संतोष ट्रॉफी की टीम थी उनके साथ हमने ड्रॉ करा था। हाँ, मतलब वो ये मतलब मुझे लग रहा था यार इट इज हाई टाइम कि मैच होना चाहिए, बिकॉज वो आपको रैंक देखो, नॉट जस्ट कैम्बोडिया 171 रैंक है, अफगानिस्तान मतलब जो लोग को पता नहीं है, इन द सेकंड राउंड मेरे ख्याल से अफगानिस्तान सेम ग्रुप में थी, और बांग्लादेश भी थी आई गेस। 4 ड्रॉज इंडिया ने किए थे, अफगानिस्तान ने 3 किए थे। तो ऑन पेपर आप बोल सकते हो नहीं इंडिया शुड बीट देम बिकॉज रैंकिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं फुटबॉल में, वी ऑल नो। एग्जैक्टली, फुटबॉल की जैसे अफगानिस्तान नॉट एन इजी टीम, तो एक टफ कंपटीशन जब मिलती है ना, आई हैव ऑलवेज नोटिस कि इंडिया मतलब फाइट दे सकती है, जस्ट अबाउट नॉट स्कोरिंग इनफ गोल्स। और वो चाहिए था दैट कॉन्फिडेंस लेवल विल मे बी विनिंग अगेंस्ट कैम्बोडिया एंड देन गोइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, एक कॉन्फिडेंस लेवल होपफुली अभी भी हो, मतलब आई एम स्टिल होपिंग। लेकिन कैम्बोडिया ऑन द अदर हैंड, उनकी भी ज्यादा फुटबॉल हुई नहीं है, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि उनका प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहा है, बिकॉज एक ही मैच उन्होंने खेला है टिमोर-लेस्टे के अगेंस्ट, टिमोर-लेस्टे के अगेंस्ट। हां, तो जीत गया शायद, राइट? वो दैट इज व्हाट, तो ज्यादा मैचेस उनके भी नहीं हुए, तो काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज ना वो तो। लेकिन क्या बोल सकते हो उसमें। लेकिन बट आपको एक और बताना चाहूंगा कि इनका मैनेजर केसुके होंडा है, मतलब कंबोडिया का मैनेजर। तो देखते हैं यार, मतलब प्लेयर वाइज तो काफी बढ़िया बड़ा प्लेयर है यार, एसी मिलान वगैरह खेला हुआ है केसुके होंडा। बट देखते हैं कि उसने मतलब वो AC मिलान प्लेयर था, मतलब बीइंग एन AC मिलान यू नो एज एन सपोर्टर एज वेल, मुझे काफी याद है एज एन दिस गाय वाज रियली गुड ऑन हिज डे। और वो एक एडवांटेज आप बोल सकते हो क्योंकि यार उसको पता है इन डिफरेंट सिचुएशंस जस्ट टू काइंड ऑफ प्रेशर सिचुएशन डील करने को। लेकिन अगेन मतलब ऑन पेपर आप बोलोगे कैम्बोडिया एक यंग स्ट्राइकर, काफी चर्चा चल रही है उसकी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन एक यंग स्ट्राइकर 19 ईयर ओल्ड, ही इज रियली गुड। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ नहीं, यू नो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स मैंने सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो। नौशाद बहुत ही अच्छा कमेंट मार रहे, इट्स अबाउट अगेन सुनील छेत्री सर ने जो बोला था, इट्स अबाउट यू नो जो जनता आनी चाहिए, देखनी चाहिए मैच। और यहाँ पर बवाल मचा था लास्ट 2 दिन में ट्विटर में, आई रिमेंबर। क्या गलत था उसमें, क्या गलत था उसमें? एकदम नहीं, बट नहीं उसमें गलत क्या था? अगर उसने सुनील छेत्री सर ने, मतलब भाई एक बंदा अपनी टीम के लिए इतना कुछ कर रहा है, वो उसका तुम अगर देखो कि टॉप इंटरनेशनल स्कोरर्स एक्टिव इंटरनेशनल स्कोरर्स में आता है एंड उसके बाद वो जब खेल रहा है अपने ग्राउंड पे, अपने कंट्री में खेल रहा है, उसको लोग आ ही नहीं रहे देखने। तो वो अगर उसने एक मैसेज बोल दिया कि, और वो काफी हार्टफेल्ड मैसेज था भाई, उसमें ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं था। पहली बार नहीं, हाँ तो वही बात है। तो अगर हम जाएंगे तो तभी फायदा है ना यार, अगर नहीं, मतलब मैं तो चाहता हूँ यार दिल्ली में हो, सब चाहते कि हमारे इंडिया में हर जगह मैचेस हो। बट AIFF भी इसलिए वो है, मतलब क्या बोलते हैं, दे आर बाउंड टू कंडक्ट मैचेस इन सच मतलब स्टेट्स, क्योंकि यहीं पे आएगा। हाँ वही प्रणय भाई बिल्कुल प्रॉपर फूड वगैरह भी नहीं दिया यार AIFF वगैरह इसमें। बट IFA भी है, IFA को भी आप करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लेम करेंगे IFA को, तो वो सब है। बट मैं किस बात कर रहा था, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाली बात हो रही थी कि उसमें उसने करा, हाँ बट ये इस साल का नहीं, ये पहले वाला का ही है, जिस स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जब उस टाइम मैनेजर थे तब शायद उसी की बात चल रही होगी। बट उसमें मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगता भाई। हम उसके बाद इवन क्राउड आया था, पूरा भर के क्राउड आया था, मैचेस देखने आए थे लोग, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत था। अंकित भाई आपको क्या लगता है? नहीं 100% यार, मैं तो बोलता हूँ मतलब तरस गए यार नो फॉर अस टू। एक तो यार लोग भूल जाते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है लोगों का, मतलब 2 साल से यार सब लोग कोविड में फंसे हुए, ठीक है। एक तो मैच हो रहे इंडिया में 15 मैचेस लगातार, फॉर पीपल हू डू नॉट नो 15 मैचेस लगातार इंडियन टीम, हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं, आई नो दैट फैसिलिटीज रिसोर्सेज आप कितने भी क्वेश्चन करो, फेयर इनफ, लेकिन 15 मैचेस आप यू नो अवे खेल रहे हैं, आप न्यूट्रल ग्राउंड में खेल रहे हैं भाई, मतलब दीज आर पीपल हु हैव काइंड ऑफ यू नो लिटरली बोर्न हियर, दे हैव प्रैक्टिस्ड हियर ऑल देयर लाइफ। और अभी यार सडन से आप बोलो यार अब इंडिया में खेलो ही नहीं, और फाइनली जब इंडिया में हो रहा है आपको ना सपोर्ट नहीं है, तो यार कम ऑन दैट हैज टू बी। एक और चीज बता दूं आपको, AIFF जो है ना, उन्होंने तो बोला था कि 15,000 लोग भी आ जाना ये मैच देखने, हमारा नाम बदल देना। फिर जो CO है, मतलब जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी है ना, जो अभी मतलब सारा मतलब देख रही है, उन्होंने बोला था कि नहीं भाई 50,000 की टिकट अपन 50,000 लोगों को लाते हैं, आएंगे लोग देखने, एंड ये हमें पता है कि आएंगे। फिर जाके आज जो है 50,000 बंदे आएंगे देखने। अगर AIFF के ऊपर छोड़ते तो भाई वो होम एडवांटेज भी किल करने पे तो लेते, तो इतना बुरा भी सीन चल रहा है। आई थिंक इतना एस्टीमेट 5,000 किया था उन्होंने फॉर व्हाटएवर रीजन, मतलब कम ऑन लाइक यू नो इट्स नॉट रियल। मुझे मालूम है यार, बहुत ट्विटर में क्या बवाल मचा था, इज अबाउट द टिकट्स एंड स्टफ लाइक दैट की अवेलेबल नहीं है। फिर बाय द वे वो कॉम्प्लीमेंट्री के नाम पे बेसिकली वो 15,000 शायद बढ़ा दिए थे फ्रॉम 5,000, दैट इज व्हाट आई हियर। मतलब अगेन दोस मूव्स आर प्रोबब्ली वो क्यों हुआ है? If Sunil Chhetri sir wouldn't have come and done it, to be very honest, शायद होता ही नहीं यार। नहीं but I don't think कि नहीं यार, अगर भैया मैं ऐसे बोलूँगा, कोलकाता केरला में ना क्राउड आता है, ये आप इसको आप वो नहीं कर सकते डिनाय भाई, वो बंदे क्रेजी है फुटबॉल के लिए, इंडिया खेल रही है, मोहन बगान फैंस, ईस्ट बंगाल फैंस, मोहम्मडन फैंस जितने भी है यार, आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं आएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी स्टेट के लिए मान सकता हूँ, फिर भी दिल्ली में क्राउड भरना थोड़ा मुश्किल है, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का भरना तो काफ़ी मुश्किल है, बट वहाँ पे सॉल्ट लेक स्टेडियम का भरना आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ भी इशू होता है यार। वहाँ पे तो अभी भी लास्ट दिन में आ रही थी, बंदे खड़े हो रखे हैं बट उन्होंने टिकट काउंटर बंद कर दिया है, तो ऐसा सीन है, जबकि उसकी काफी ज्यादा मतलब कैपेसिटी तो आई गेस 70-80,000 कितनी है यार, सॉल्ट लेक स्टेडियम की तो काफी ज्यादा कैपेसिटी है, तो वो तो बिल्कुल यार मैं मतलब बेचते भी नहीं जस्ट टू शेयर यार, मैं बेसिकली सॉल्ट लेक स्टेडियम गया वो 2 बार कम से कम, और बैंगलोर में रहकर भी मैं खाली 1 बार गया, तो दैट इज द थिंग, वो सॉल्ट लेक स्टेडियम की बात ही अलग है। और प्लस यार आप देखो मतलब हम इतना देखते हैं, हम कवर करते हैं, शोभित से बात होती इतनी और लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स नो इट, हम बेसिकली यार यूरोपियन फुटबॉल की इतनी बातें कर रहे हैं, अब नेशंस लीग चल रहा है फॉर एग्जांपल राइट, वहां पर हमने देखा अर्जेंटीना वर्सेस एस्टोनिया, तो उस दिन मैंने गौर किया चैट मतलब बिग अप टू द चैट यार, चैट ने मुझे याद दिलाया भाई एस्टोनिया हमारे रैंक से नीचे नहीं नीचे, और बेसिकली अगर इनको मिल रहा है अर्जेंटीना साथ खेलने के लिए भाई हम लोग हाउ कैन वी अट्रैक्ट देम, अगर ज्यादा मैच नहीं होंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, ज्यादा बेसिकली पब्लिसिटी नहीं होगी, और वैसे स्टेप बाय स्टेप लोगे ना, यू कैन नॉट जस्ट बी गुड ऑन फुटबॉल एंड डू दैट। आपको ये सब अर्जेंटीना जैसी टीम आ गई ना और मेसी खेल रहा हो, भीड़ उस स्टेडियम जहाँ पे स्टेडियम है ना वो पूरे शहर में भर जाएगी। अरे मेरा ऐसा सर्टिफिकेट भाई मेरा तो अभी एब्सोल्युटली मतलब कहाँ से जो सही में कल भी एक बात चल रही है, वो ट्रेन वाला मीम नहीं है जिसमें सारे लोग ऊपर चढ़ के भी आ रहे, वही सीन हो जाएगा भाई अगर इंडिया में अगर अर्जेंटीना वगैरह आ गई तो नहीं क्रेजी तो है यार बंदे हमारे। हाँ मतलब ये एक रीजन बोल सकते हो यार, एक कोर्ट इश्यू जो है चलते आ रहा है दैट इज द मेन बी वन ऑफ द रीजंस जिसके लिए हम वी आर नॉट एबल टू एक अप्रोच भी नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो कितना अप्रोच कर रहे होंगे यू नो ऑल दोस नेशंस टू प्ले अ इंटरनेशनल फ्रेंडली, दैट इज व्हाट बिगर पार्ट इन यू नो इन टर्म्स ऑफ इंडियन फुटबॉल इज। कोलकाता पीपल विल डाई फॉर फुटबॉल कम एट द टाइम ऑफ आईएसएल यू विल फील, मतलब वही है, मतलब आईएसएल में होता है वो यूनिटी वी हैव टू शो एल्सवेयर इवन मोर टू बी ऑनेस्ट। मतलब आईएसएल इज ग्रेट, हम खुद इतनी बात करते हैं आईएसएल मतलब इट वाज ब्रिलियंट जो फाइनल्स थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे you know it is having such a capacity so why not use it। संपत भाई वो तो पता है कि वेनेजुएला के साथ जो मैच था उसमें मेसी ऑलरेडी आ चुका है, बट मैं वैसे कह रहा हूं कि अब जो मेसी है उस समय भी मेसी था, बट अब अगर आता है मेसी अब तो अलग ही है, 7 टाइम बिलोंग दी और विनर दीवानगी यार, मतलब वही है ना इंडियन फुटबॉल फॉलोइंग मेबी 4 गुना के मतलब 4 गुना भी कम है, 4 गुना भी कम कह रहे हो, बढ़ चुकी है बहुत। बिल्कुल एकदम सही बात है एब्सोल्युटली, लेकिन वही है मतलब आई हैव टू मतलब बिग अप यार, मतलब आपको देना पड़ेगा सुनील छेत्री डजंट नीड टू डू इट, लेकिन वो कर रहे हैं, वही रेस्पेक्ट यार, रेस्पेक्ट फॉर द गाय, क्योंकि वो ही केयर्स अबाउट फुटबॉल और वो चाहते हैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या अचीव करना बाकी है रियलिस्टिकली। हाँ मे बी एम आप बोलोगे बीइंग इन द यू नो एशियन कप अगेन एंड डूइंग समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दैट, मे बी इज द लास्ट गेम आप बोल सकते हो, लेकिन अगर अभी भी एंड होता है ना सुनील छेत्री का करियर, it's awesome career like come on in international football he is just technically an active footballer third hai abhi technically dekha jaye to right so 80 goals par hai aur 86 Messi hai matlab I know hum compare nahi kar rahe lekin but there is a reason matlab ek cheez hai ki जैसे मैं ये लोग बोलते हैं ना कि कंपेयर नहीं कर रहे, बट हमारे लिए भी तो वो अपोजिशन के जो हम खेल रहे हैं वो तो हमारे लिए उतना ही टफ होगा ना, जितना मेसी अगर ब्राजील के अगेंस्ट खेल रहा है उतना सुनील छेत्री सर अगर कोई मतलब इन टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे तो उतना ही मुश्किल रहने वाला है ना, तो वो वाली बात है ना यार शोभित। वी डोंट वांट पीपल टू इवन पुट दैट पॉइंट कि यार ही हैज प्लेड अगेंस्ट यू नो एक्स वाई जेड, क्योंकि यार हमें चाहिए तो अगर वो बेसिकली यू नो वी आर एबल टू गेट इनफ फैन फॉलोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ मैचिंग, अगर हम प्रूव कर पाए मे बी एआईएफ बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा है उनका सॉर्ट आउट हो जाए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 6 महीनों में दे आर इवन आस्किंग फॉर अ फ्रेंडली विद अ बिग इंटरनेशनल, आई एम नॉट सेइंग अर्जेंटीना, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स पुट इट, सेनेगल भी बोल दो मैं तो बोलता हूँ चलो ठीक है। आई वुड से अभी तो जाम्बिया के साथ भी होने वाला था, वो भी पता नहीं बैक ऑफ कर गए पैटसन डाका को देखते अपन, बट नहीं हो पाया नहीं एग्जैक्टली, तो मतलब दैट इज स्टेप बाय स्टेप, हमें एज इंडियन फुटबॉल वी नीड इट एंड इसलिए मैं बोलता हूँ यार, लोग बोलते हैं कैम्बोडिया के साथ क्या है भाई, मतलब इट्स नॉट इजी, ऐसा ही था तो हम 7 महीनों से यू नो जीते क्यों नहीं, मतलब दैट इज अ फैक्ट, हमें करना है और ज्यादा खेलना है, तो फॉर दैट वी आर एबल टू सेल आवर प्रोडक्ट बेटर एज इंडियन फुटबॉल, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अगेन लेट्स टॉक अबाउट द टीम एंड होपिंग दैट मैच हो, वो 8:30 बजे शुरू होने वाला है। हां जी, रहीम अली इज आउट, मेन स्ट्राइक पार्टनर, तो क्या लगता है मतलब लिस्टन इज द नेक्स्ट बिग थिंग सुनील छेत्री के शूज लेने के लिए, नॉट टू अर्ली, मतलब नॉट टू अर्ली, बट ये है कि हाँ अगर क्लब लेवल पे बात करें तो कर तो रहा है कहीं ना कहीं चीजें, मतलब बढ़िया कर रहा है, गोल स्कोरर है, बट इंडिया के साथ उसका वो मतलब उतना मतलब अभी आया नहीं है, मतलब वो टाइम नहीं आया जो कह सकते हैं कि सुनील छेत्री, अभी कोई भी नहीं आया टीम में वैसे तो, अगर मैं बिल्कुल लेकिन कहाँ मतलब उसको लेफ्ट विंग में देखते हो, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन आपके लिए? लेफ्ट विंग पे है, लेफ्ट विंग पे है। एज ए स्ट्राइकर तो नहीं खेलेगा वो, थोड़ा मतलब पेस है उसके पास, ठीक है, वो मतलब 1v1 ले लेता है अच्छे से, एंड आई गेस लेफ्ट विंग, आई गेस भी क्या वो लेफ्ट विंग पे ही खेलता है, तो उसकी वो मतलब आता है, कट इन करता है, एंड मतलब लॉन्ग शॉट्स भी लेने की एबिलिटी रखता है, फ्री किक्स से भी गोल मार रहा है आजकल, तो फॉर्म तो पकड़ ही रहा है। एंड यस आई होप कि भाई जैसा चल रहा है क्या लाइनअप में भाई, अभी लाइनअप नहीं आई भाई, बट ईशान पंडिता लेना तो चाहिए यार। ईशान पंडिता मतलब एक टाइप से आपका फिजिकल स्ट्राइकर है, मतलब टावरिंग प्रेजेंस है उसकी, मतलब हेड मतलब एयर में अच्छा है, तो उसको लेना तो चाहिए, बट अब एगोस्ट मैच सर नहीं लेते तो क्या कर सकते हैं। बाकी टैक्टिकली आई थिंक 4-3-3 जाएंगे, मतलब फ्रॉम व्हाट आई नो कैम्बोडिया भी वो थोड़ा डिफेंसिवली खेलती है, लेकिन ज्यादा 4-3-3 है उनका भी नहीं। हाँ 4-3-3 है, बट वो सिट बैक करती है ज्यादा। मतलब मैं एक वो भी देख रहा था आज, मतलब क्या बोल रहा था, मतलब कॉन्वर्जेशन देख रहा था, जो पेप टॉक दे रहा था उनको केसुके होंडा ही दे रहा था, तो उसमें भाई वो यही बोल रहा है कि हम सफ़र करेंगे कोई नहीं, बट आपको वो 90 मिनट्स तक एब्जॉर्ब करना है प्रेशर, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब वो तो उनका है कि वो सेट बैक करेंगे। आज कौन सी मिडफील्ड खेलेगी? मोस्ट प्रोबेबली सुरेश तो आज खेलेगा, ग्लैन मार्टिन्स आप देख सकते हो, एंड मे बी सहल या फिर ब्रैंडन में से एक आपको दिख जाएगा, जो कि अटैकिंग मिडफील्डर का रोल जो है खेलेगा। अनिरुद्ध थापा उसका पिछला मैच यार इतना अच्छा नहीं गया था, तो आई गेस उसको इस मैच के लिए रेस्ट कर देना चाहिए। हाँ थोड़ा हार्श थी अब किस उसमें कह रहे हो यार, मतलब कह सकते हो कुछ करता है कोई नहीं, मतलब ऐसे भी अवेलेबल तो नहीं है। हाँ ये लिस्टन का भी थोड़ा न्यूज़ आ रहा था कि यार लिस्टन को इंजरी हुई थी, मतलब माइनर इंजरी हुई थी जो जॉर्डन वाला मैच था, इसलिए वो जॉर्डन वाला भी नहीं खेल पाया था, बट कह रहे थे कि यार आ जाएगा शायद, तो लेट्स होप कि भाई बेटर है। ग्लैन मार्टिन्स व्हाई डू यू प्रेफर? भाई ग्लैन मार्टिन्स का जॉर्डन के अगेंस्ट मैच अच्छा था संपत भाई, तो जो अभी सही चल रहा है उसको खिलाते, क्योंकि ये 3 मैचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम है। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपके जो जितने भी प्रीवियस मैचेस थे फ्रेंडलीज आपको मिले हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको फ्रेंडलीज नहीं मिले, और ऐसा भी नहीं है कि ख़राब साइड्स के अगेंस्ट, आपको अच्छी साइड्स के अगेंस्ट जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कतर, इन सब के अगेंस्ट जो आपको फ्रेंडलीज मिले हैं, तो आपको टाइम तो पूरा मिला है। तो आई गेस जैक्सन को करा सकते हैं, यस जैक्सन तो मतलब मेरी लाइनअप में भी था जो मैंने अपनी वीडियो में डाली थी, जैक्सन को खिला सकते, बट एगो से मैच ऐसे काम नहीं करते ना भाई, वो जो उनके ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स है उन्हीं को खिलाते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर देखोगे तो ग्लैन मार्टिन्स आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। व्हाई नॉट अपुया? अपुया इज इंजर्ड भाई, अपुया इज इंजर्ड और यार ऋत्विक दास भी आई थिंक आउट विद चिकन पॉक्स, फॉर व्हाट आई नो चिकन पॉक्स हो गया। हां चिकन पॉक्स, तो इसलिए मेरे ख्याल से दीपक को इसलिए लाए थे, फॉर व्हाट आई नो। एंड राहुल बेके ऑब्वियसली आउट, एक मैच के लिए बाहर है ना। हाँ राहुल बेके का अभी पूरा नहीं पता, बट हाँ राहुल बेके इस मैच के लिए तो नहीं है। दीपक तांगड़ी भी आ जाया था कि दीपक तांगड़ी भी नहीं है शायद अवेलेबल। अच्छा हाँ आई थी न्यूज़ एक, तब तो आई थिंक वही है, मतलब प्रीटी श्योर कि है ना, मतलब वही ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ ही दीपक तांगड़ी, खाबरा एंड राहुल बेके, ये 3 अवेलेबल नहीं है। अरे भाई साहब लेकिन यार नेक्स्ट मैच कब है? 11 तारीख को है राइट, तो होपफुली वी विल हैव एटलीस्ट राहुल बेके अवेलेबल, जहाँ तक मुझे नजर आ रही नहीं। आकाश मिश्रा को देना चाहिए चांस, लेफ्ट बैक पे तो देना चाहिए। फेयर इनफ मेरे हिसाब से मनवीर का अच्छा गेम होना जरूरी है, क्योंकि वो फिजिकली उनके डिफेंस को बुली कर सकता है यार। यही है, मतलब ये एक चीज बोलोगे यार, एक परसेंट मनवीर का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 100% अग्री विद दिस, क्योंकि यार एक है यार, आप बोलते हो फिनिशिंग इंडियन फॉरवर्ड पे इतना नहीं है, और वही अभी डिपेंड सो मच ऑन सुनील छेत्री हैविंग हिज प्रेडेटर इंस्टिंक्ट्स जो हम बोलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इफ एक बंदा है ना प्रॉपर आपका फिजिकल एलिमेंट यूज कर पाए, दैट इज व्हाई वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा मैन इन फॉरवर्ड लाइन व्हेन वी आर अटैकिंग, और वहीं से गोल बनेगा। लेकिन हु इज द बेस्ट चांस, मतलब मेरा वही अनिरुद्ध थापा अगर रहते हैं ना, मतलब नहीं मैं तो फीफा में तो काफी गोल्स कराता हूं अनिरुद्ध थापा से जस्ट सही है। लेकिन एट द सेम टाइम लाइक कौन है वो मिडफील्डर, कौन है जो है ना लुकिंग एट जो है ना ज्वाइन करे अपने फॉरवर्ड लाइन, क्योंकि चाहिए भाई। इंडिया में वही प्रॉब्लम है ना कि यार टू मच डिपेंडेंसी ऑन सिंगल फॉरवर्ड फॉर मी। देखो आप मिडफील्डर का पूछ रहे हो या अटैकर का पूछ रहे हो? मतलब हाँ कोई मिडफील्डर में, मिडफील्ड में कौन है ऐसा? मिडफील्ड में सहल है, सहल मतलब अगर हम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं तो सहल गोल थ्रेट तो लाता है। ब्रैंडन अगर खेलता है तो ब्रैंडन एक क्वालिटी मतलब ऐसी क्वालिटीज लाते हैं कि उसकी सर्विस अच्छी रहती है, जो भी वो मतलब बॉल्स बना के देता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस उसके अच्छे रहते हैं एंड क्या बोलते हैं जो लॉन्ग बॉल्स एंड ये सब अच्छी दे देता है। बट सहल भी वो चीज़ें कर लेता है, बट एंड सहल का थोड़ा ऐसा रहता है कि थोड़ा सा फ्लैशी प्लेयर है, थोड़ा सा मतलब शो बोटिंग पे ध्यान देता है, बट जब अपनी फॉर्म में रहता है तो अनप्लेबल हो जाता है सहल। तो अगर हमें मिडफील्ड में कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो गोल स्कोरिंग थ्रेट लाए, जो मतलब एंगेज रखे उनके डिफेंस को, जिस पे ध्यान रहे एंड जिसकी वजह से हमारे बाकी प्लेयर्स को भी स्पेस मिले, तो वह सहल रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हांगकांग 2-0। थैंक यू भूषण शेयर करने के लिए। लेकिन यार अनिश का पॉइंट है, मतलब वही हमने इसलिए बोला है 4-3-3 इज प्रोबेबली व्हाट ही गो विद, स्पेशली आपके जो है ना मतलब इतने सारे इंजरीज है तो लिस्टन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फैक्ट दैट लिस्टन इज इन फॉर्म में तो यू हैव टू यूज हिम व्हेन ही इज इन फॉर्म। और वही है मतलब विल ही प्ले 90 मिनट्स, हो सकता नहीं, मतलब मुझे शायद ही लगता है खेलेंगे, दैट इज द ओनली थिंग। इसलिए व्हाट वुड यू डू यार, मतलब आप बेसिकली अगर लिस्टन 100% नहीं है फैक्ट लिस्टन को बेसिकली ऑफ द बेंच लाओ कि यार स्टार्ट करो, उसको खिलाओ एक हाफ और लीड लो और फिर बेंच कराओ। अब उसकी वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा उसकी कैसी कंडीशन है, अगर बिल्कुल ही नहीं खेल सकता तब तो सब्स्टिट्यूट करके ही लाओ कि भाई, बट अगर खेल सकता है 50-60 मिनट्स खेल सकता है तो ऑब्वियसली उसको खिलाओ यार। ये देखो ये कमेंट इंडियन मुसियाला इन द बुक्स, करवे मुसियाला का भाई मैच कैंसिल हो गया क्या भाई? अभी आएगी न्यूज़, 3 घंटे का टाइम है हमारे पास। अगर एआईएफएफ थोड़ी सी ईगो कम करके सॉरी बोल देते हैं तो कम ऑन यार, होना चाहिए यार, मतलब इतना बवाल मचा रहा है वगैरह, अगर आप नहीं कराओगे यार तो कैसे कोई भी कंट्री बोलेगी। बट अभी पता नहीं है क्या है मनवीर कैबिनेट तो ये अरुण भाई फनी हो रहे हैं होता है थोड़ा ये। I remember मतलब काफी मोमेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब स्पेशली जो रीसेंट मैच तो यार काफी हैवी टचेस लेता है मनवीर, तो काफी हैवी टचेस लेता है, उसको चाहे जितनी अच्छी बॉल दे दो, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम बट कभी कभार तो रहीम अली इज अ मेजर मिस। मैं तो बोलता हूं रहीम अली अगर रहते हैं ना, मतलब वही है, मतलब यू हैव ए केमिस्ट्री है। आई फील रहीम अली एंड सुनील छेत्री के फिर भी हैज अ बेटर केमिस्ट्री आई फील, मतलब इन रीसेंट मैचेस कंपेयर्ड टू यू नो मनवीर। बट हां वो ये लिस्टन पर निर्भर है यार, अगर लिस्टन अगर ले लेना चांस और अगर 1-on-1 ले लेना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑफ सिलेक्शन इन द बॉक्स, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन मतलब जस्ट अबाउट ना या मोस्टली मतलब रहीम अली का भी यही केस है कि मतलब भागते तो हेडलेस चिकन्स की तरह भागते हैं, मतलब बॉल आई भागे, कोई कुछ नहीं देखना कहाँ पे प्लेयर है, किसी को रिलीज करवा दूं, कोई रन बना रहा है, नहीं। आशिक के साथ भी यही है, पिछले मैच में आया था, लोग कह रहे अच्छा मैच है भाई, वो सिर्फ अपनी उसके पास स्पेस है और अकेले भाग के गया, उसके पास इतने सारे चांसेस था कट बैक करने का। नहीं ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफर करना चाहूंगा यार, अगेन मतलब बीइंग अ चेल्सी फैन मैं रिलेट करता हूँ, टीम ओनर ऑफ अ टीम यार, सिंपली पुट, ठीक है भाई मेहनत बहुत करते हैं। मैं तो ऐसे रीड करता हूँ यार, केमिस्ट्री है, यू नो व्हेन ही रन्स सुनील छेत्री नोज दैट चलो वो कर रहा है, यहाँ पर मैं कट बैक मिलेगा, यहाँ पर रहता हूँ मैं, that's what I'm guessing, लेकिन वही है मतलब you actually have that chemistry more, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मनवीर also has प्रवीर दास है क्या भाई स्क्वाड में? प्रवीर दास भाई देखना पड़ेगा यार, मतलब वो खेलने का स्क्वाड देखते थोड़ा, I guess नहीं यार दिख तो नहीं रहा प्रवीर दास को नहीं लिया गया। नहीं दिख रहा, नहीं कोई नहीं यार, कुछ भी हो बस मैच जीत जाए, अच्छा फुटबॉल खेले या बुरा खेले कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैच तो हो भाई। और यार 7 महीने हो गए यार, अच्छा ही खेलो भाई, इससे फर्क पड़ना चाहिए भाई। अगर हम वोकल नहीं होंगे ना तो वो मैनेजर भी लीनियंट हो जाएगा कि चलो कोई नहीं, कोई कुछ कह तो रहा नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ शोभित, जो कोलकाता में मैच हो रहा है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकल क्राउड के सामने इतने दिन हो गए तो एक होता है आपको सोशल मीडिया पर क्रिटिकल्स वो रहते हैं, वो कोलकाता का मतलब क्राउड इतना इजी नहीं है, मैं तो गया वहां, मैं बोल रहा हूं ना कोलकाता ऐसे कर देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो क्रिटिक्स होते हैं ना प्रॉपर आपको वॉइस करते हैं, आपको इन पर्सन वो आपको ज्यादा दिखती है, ठीक है। अगेन आई लव द टीम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और एक टेम्परामेंट की, अगेन मतलब गोइंग बैक टू द सेम थिंग, वही सेम प्लेयर आईएसएल में देख लो वर्सेस नेशनल टीम में देख लो। अब हो सकता है पूरा सीजन के बाद यू नो एज इन मे बी वो थके मारे थे, इसलिए बेसिकली लास्ट 3 फ्रेंडलीज में इतना बुरा हुआ, लेकिन कम ऑन यार इतने दिन हो गए, ऐसा मतलब आई थिंक इट वाज रियली एन एक्सक्यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वही है इट वाज फ्रेंडली, अभी फ्रेंडली नहीं है नाउ, अभी आता मौका, इसलिए मैं तो बोलता हूँ बाय एनी कॉस्ट आई थिंक इंडियन फेडरेशन और बंगाल की जो फेडरेशन है यार ईगो पे मत लाओ बात, आपने खुद मेहनत किया है, आप यू हैव गॉटन द मैच, और इतने सारे टिकट्स का जो बवाल हुआ है ना लास्ट 48 घंटों में, उसके बाद आप ये नहीं चाहोगे कि मैच कैंसिल हो जाए, कम ऑन, आई एम प्रीटी श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूं यहां पर होगा मैच, यार मैच डेफिनेटली होगा। जय पटेल भी भाई कुछ नहीं, चाइना में नहीं हो रहा, चाइना वालों ने मना कर दिया क्योंकि भाई कोविड वगैरह भी वहां पे काफी ज्यादा चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम तो नहीं करा सकते, बिड होगी, मे बी इंडिया भी उस बिड के लिए जाए बट पॉसिबली, लेकिन वही है इंटरनल अफेयर्स ही पहले सॉल्व हो जाए, बिल्कुल बाद में बाहर के देखेंगे, अब मिलेगा तो शिमैक को निकालोगे या नहीं, ये है कि भाई कौन सा मैनेजर आएगा, अभी तो नहीं निकाल सकता यार ऑब्वियसली, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी टीम को ट्रांजिशन में डालना, आप तब डालते हो जब आप जैसे ये 3 मैचेस हो जाए, आपके पास 2023 तक का टाइम है कि चलो अब ट्रांजिशन आ सकता है, तब मैं सैक कर दूं कि हम अगर ग्रुप टॉप कर जाए, बट अगर आज की बात कर रहे हो नहीं भाई, शोभित रेडी वही मतलब स्टीमा का जो पिछली बार हुआ था, और लाएंगे सीधा पेप को पेप का नेक्स्ट इन, यू हर्ड इट हियर, गोड्स ऑफ फुटबॉल यार भाई, मतलब कौन से पेप की बात कर रहे हैं, मतलब टू बी ऑर्गेनाइज, लेकिन यार यू कैन नेवर से नेवर, आप बोलो स्टीमा जी यू नो व्हेन ही केम हाई प्रोफाइल, ही वाज हाई प्रोफाइल नेम, हां ठीक है, आप मतलब मुझे याद है यूज्ड टू प्ले, मतलब व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग फुटबॉल यूज्ड टू एक्चुअली प्ले फॉर क्रोएशिया एज अ सेंटर बैक, ठीक है, और फिर वो कोच भी कर चुके हैं, जैसे मैंने बोला पहले स्ट्रीम में कि यार ही टुक देम टू द वर्ल्ड कप एंड देन उसको उनको चांस नहीं मिला, तो इवन ही हैज अनफिनिश्ड बिजनेस, तो मतलब कोई भी खुद तो नहीं चाहेगा, लेकिन अगेन वो कैपेबल है कि नहीं वो टाइम विल टेल, आई डोंट नो व्हाट। आईएसएल बंद करके प्रॉपर लीग, और अरे इसके मतलब अच्छा पॉइंट है ऋषिकेश, आई नो बंद करना तो बहुत स्ट्रांग है, आई विल नॉट गो देयर डेफिनेटली यार, आईएसएल हैज एक बात बताओ यार, एक रिलायंस जैसा मतलब कंपनी इन्वेस्टर्स बोल लो इतना पैसा लगा रही है, फिर आप बोल दो कि उसको बंद कर दो, तो क्या फायदा, अब वो भाई पहली बात ऐसा इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, मतलब पूरी लीग इतनी अच्छे से मतलब वेल रन लीग है, इतने मतलब क्लब्स जितने भी है भाई बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स बने हैं यार, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल यार, और फॉलोइंग मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक लॉयल्टी आई है फुटबॉल में, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल। केरला ब्लास्टर्स का फैन बेस देख लो, मंजापड़ा भाई इतना वोकल है, इंडिया के हर मैच पे पहुंच जाते हैं भाई, कहां तक पहुंच जाते हैं। मैं बोल रहा हूं, आई स्टडी अब्रॉड फॉर फ्यू इयर्स, वहां पे बोल रहा हूं कि देयर यूज्ड टू बी माय फ्रेंड्स हु यूज्ड टू फॉलो सो मच, मैं तो फिर भी कह रहा हूं पहले से थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूं, तो यू नो फाइन फेयर इनफ, लेकिन मेरा वही है, मे बी मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं, इसलिए मैं ये चेंज करूंगा डेफिनेटली। ऋषिकेश बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, वो तो डेफिनेटली मना है, ठीक है, लेकिन आई हैव सीन प्लेयर्स रियली स्ट्रक्चर बदल सकते हो कि प्रमोशन रेलीगेशन है। आई लीग और आईएसएल का ये जो कंट्रोवर्सी दैट इज मे बी वर्थ टॉकिंग, ठीक है। तो जैसे अभी आई लीग से कोई प्लेयर नहीं है जहां तक मुझे पता है इस टीम में, नहीं अभी इसमें नहीं है, हमारी इस पे तो नहीं है। तो क्या लगता है, इज दैट फेयर? यार फेयर आपके सेंस में बोलोगे, अभी एएफसी कप जब हुए थे, ठीक है, एएफसी कप में एटीके मोहन बगान ने ग्रुप टॉप करा, उसमें गोकुलम केरला ने एक मैच हरा दिया था, बट उसके बाद गोकुलम केरला ने ब्लंडर्स कर दिए, हार गए अपने सारे मैचेस एंड एटीके मोहन बगान टॉप कर गई। तो जहाँ पे आई लीग वर्सेस आईएसएल था वहाँ पे आईएसएल वहाँ पे जीत गई। मैं भी खुश हो गया था जब गोकुलम ने हराया था, मैंने भी बोला था आई लीग ग्रेटर देन आईएसएल, मैं रिएक्शनरी हो गया था, बट बाद में एटीके मोहन बगान ने तो कमबैक कर लिया ना, जबकि गोकुलम केरला का पाथ ईजी था बट वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो यार कि आई लीग से, मतलब आई लीग ब्रॉडकास्ट ही जब इतनी मुश्किल से होती है, मतलब कुछ होता ही नहीं। आप फेसबुक में जाओगे, इधर उधर ढूंढ ढांड के आप देखोगे कहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। तो और चैनल्स भी अगर है तो ऐसे चैनल्स आते हैं तो बिल्कुल ही किसी के टीवी पे आते हो ना आते हो नहीं ऐसे चैनल। अगेन जस्ट टू शेयर शोभित और एवरीवन वाचिंग, वो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है ना, तो मैं एक्चुअली क्विजेस में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, स्पोर्ट्स क्विज हो गया, वो सब हो गया, राइट। तो आई लीग का बेसिकली फॉलोइंग कब होती है, व्हेन बेसिकली कोई इवेंट होता है ना जहां पर आपको बात करनी पड़ती है आई लीग के बारे में, या बेसिकली एक क्विज हो गया फॉर एग्जांपल, तब जाके आप गूगल में जाके ढूंढते हो क्या हुआ। दैट इज व्हाट 90% जनता अनफॉर्चुनेटली करती है। क्यों? लाइक शोभित हैड हिट द नेल ऑन द हेड कि यार वो आई लीग देखने को कहां मिलता है आपको रेगुलरली। डीडी स्पोर्ट्स कितने लोग देखते हैं आज के दिन में, ठीक है, मतलब दैट इज द रियल फैक्ट। जैसे आई थिंक यहां पर कमेंट था अबाउट बाइंग राइट्स, मतलब जब तक वो प्रॉपर एक राइट्स नहीं खरीदेंगे और वो प्रॉपर ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो एक प्रेफरेंस बनेगा। लेकिन अगेन नथिंग अगेंस्ट एनी चैनल हियर, आई डोंट वांट टू गो दैट वे, लेकिन आप देखो मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में इतने सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक मल्टी ईयर काइंड ऑफ यू नो राइट आप खरीद लो, देन मे बी आप प्रायोरिटाइज करोगे। अगर वो नहीं होने वाला इन द लॉन्ग रन, देन मे बी वही होने वाला है, आप प्रेफरेंस आपको प्रेफरेंस मिलेगा आईएसएल का, आई लीग का, कोई यू नो वही सेम चीज होने वाला है। तो इट्स एज गुड एज नॉट एग्जिस्टिंग। तो मैं तो रादर मैं बोलूंगा भाई, अगर आपको लेना ही नहीं उसके उस लीग का कुछ करना ही नहीं तो उसको बेसिकली मर्ज कर दो ना आईएसएल से। That is the only solution. और मतलब हो रहे यार चेंजेस। अब जो नेक्स्ट सीजन जो जीतेगा ना आई लीग, वो उससे नेक्स्ट सीजन खेलेगा हमारे आईएसएल में। एंड बातें ये भी हो रही है कि आपका प्रमोशन रेलिगेशन भी काफी जल्दी, मतलब आई गेस 24-25 सीजन से हम देख सकते हैं कि प्रमोशन रेलिगेशन भी आ रहा है। तो चीजें हो रही है यार, चेंजेस आ रहे हैं। एंड एफएसडीएल इंडियन फुटबॉल के अगेंस्ट नहीं है, अगर कोई अपना पैसा लगा रहा है तो वो चाहेगा कि उसको भी थोड़ा रिटर्न बैक मिले, प्रॉफिट्स मिले। तो आप इसलिए उनको बैश नहीं कर सकते कि अपने प्रॉफिट के लिए आए, जो कर रहे हैं भाई। जिस हिसाब की कवरेज आईएसएल को मिलती है, मतलब यार बेटर है यार, आई लीग की तो नहीं है उतनी। आप देख सकते हो स्पॉन्सर्स वगैरह है, मतलब एक चीज है। आप अब ये देखो अंकित भैया, एक अगर फुटबॉलर की लाइफ है तो करियर उसका कहाँ बन रहा है, उसको ज्यादा पैसे कहाँ मिलेंगे कि वो अपना मतलब सस्टेन कर सके अपना लिवलीहुड। और एक्सपोजर भाई, एक्सपोजर आईएसएल में वही इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो। अपूया आई लीग में खेलता नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आई लीग में भी है, चलो मतलब हाँ। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडियन इंटरनेशनल के साथ, बट फॉरनर चलो आपके आई लीग में भी है। बट अपूया अगर आई लीग में खेलता तो इतना जल्दी नहीं डिस्कवर होता जितना यहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मुंबई सिटी में जो खेला वहां पे जितना जल्दी डिस्कवर हुआ। तो ऐसा टैलेंट अगर मतलब रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये तो है कि भाई फुटबॉल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है ब्रॉडकास्ट की। जो लीग अच्छे से ब्रॉडकास्ट हो रही है उसको तो आप मत हटाओ यार। आप ये कह सकते हो आई लीग के ब्रॉडकास्ट बेटर हो, बट यार उतना पैसा नहीं है इंडिया में फुटबॉल के लिए। आप देखोगे 5 करोड़ तो अब हमारा बजट हो चुका है एआईएफएफ का। तो नहीं सॉल्यूशन वही लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने बोला ना बट मर्ज, और बाय मर्ज आई मीन यार, एक तो आप टीम्स बढ़ाओगे, ज्यादा मैचेस होंगे, उससे ज्यादा प्लेयर्स को आपको यू नो दरकार रहेगी, मोर पीपल विल गेट एक्सपोजर। और इट कम्स डाउन टू एक्सपोजर। आज के दिन में लिस्टन भी देख लो, ऑनेस्टली मतलब मैं खुद लिस्टन का इतना बड़ा फैन नहीं बनता अगर मैंने आईएसएल नहीं देखा होता सीजन। तो वो फैक्ट है। और वो अगर वो वही चीज लिस्टन अगर आई लीग में खेलता कितने लोग देखते। तो एक मैं अपना खुद बता रहा हूं, मैं इंडियन फुटबॉल का कंटेंट बनाता हूं भाई, आई लीग नहीं होती फॉलो यार, आई लीग नहीं कर पाता फॉलो। लोग मेरे से कहते हैं भाई तू खुद कितने आई लीग के मैचेस देखता है, भाई कहां से देखूं यार, नहीं हो पाता। तो यही वाली बात है यार। अरे भाई रे, हांगकांग भी यार दूर नहीं है, हांगकांग 147 रैंक है, अफगानिस्तान 150 है एज थिंग्स स्टैंड। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे यार इंडियन फुटबॉल, हाँ डिफेंस की थोड़ा क्विकली बात कर लेते हैं। लाइक द बेस्ट पार्ट इज संदेश इज बैक, ठीक है। संदेश मतलब मुझे तो यार कॉन्फिडेंस देता है संदेश बीइंग देयर एब्सोल्युटली। एक यू नो एक लीडरशिप एलिमेंट भी आती है आपकी, एक फिजिकल एलिमेंट भी आती है, एक हेडिंग एबिलिटी भी आती है, लेकिन अटैक में भाई वही है। मतलब एक तो यार हमने बात किया मिडफील्ड से, यू नीड मोर गोल्स, यू नो दैट इज वन वे। एक होता है यार आपका एक स्ट्राइकर, एक फिजिकल एलिमेंट रखो, लेकिन ओवरऑल एक इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर में व्हेन इट कम्स टू द सीनियर टीम क्या प्रॉब्लम, क्या क्रिएटिविटी इज अ प्रॉब्लम कि फिनिशिंग इज अ प्रॉब्लम और द टैक्टिक्स इज अ प्रॉब्लम, क्या लगता है भाई मेन? हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, यस। मतलब हमारा जो प्लेयर्स की क्वालिटी है हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर जाते हैं कि हम पहली बात तो कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, बट हम इतने मतलब क्या बोलते हैं स्पॉइल्ड हो चुके हैं, मतलब बाहर के मैचेस देख देख के यूरोपियन लेवल के। तो जब हम यहाँ के देखते हैं ना तो हमको ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, अरे रिलीज क्यों नहीं करा, अरे थ्रू बॉल क्यों नहीं डाली। भाई थोड़ा लेवल देख लो ना, हमारी रैंकिंग्स देख लो ना थोड़ी, तो वो वाली बात है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है एंड वो तो बात है ही। मतलब क्रिएटिविटी आई गेस टैक्टिक्स को मैं बोलूँगा, इस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब प्लेयर्स है। अगर आप उसको ऐसा सेटअप करोगे जहाँ पे मतलब बनते हैं चांसेस, जहाँ पे मतलब टीम को अच्छे से एक सेटअप होता है ना यार, कि जैसे एथलेटिको का सेटअप है, वो भले ही सेट बैक करेंगे, वो एकदम नाक में दम कर देंगे, बट जब वो काउंटर अटैक पे हिट करेंगे ना भाई, तब बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। तो वो कर सकते हैं यार। आपके पास पेसी प्लेयर्स तो है ही, आपके पास लिस्टन जैसे प्लेयर्स है जो अगर फ्लैंक में मतलब भाग रहे हैं तो फाड़ सकते हैं भाई किसी की भी। तो वो सीन है मेरे हिसाब से। तो मतलब मेरे ख्याल से वही लिस्टन को थोड़ा ना रैप इन कॉटन वूल वाला सीन हो रखा है कि उसको बेसिकली रैप इन कॉटन वूल करना चाहिए, मतलब इन गेम्स वेयर यू आर एबल टू, और उसको ज्यादा मतलब इतना मत कराओ जैसे हुआ है इन द पास्ट। वी हैव डन दैट, यू नो लॉट ऑफ प्लेयर्स है वो प्रॉमिसिंग लगे हैं और मेरा वही लगता है कि यार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एब्सोल्युटली, लेकिन हाँ वही स्ट्रक्चर आई थिंक ऑलरेडी शोभित ने बताया अबाउट स्ट्रक्चर। नितेश बोल रहे हैं फिलीपींस वुमेन क्वालिफाइड फॉर द वुमेन वर्ल्ड कप डिस्पाइट हैविंग अराउंड सेम रैंक। यार वही रैंक आई डोंट नो, इट्स मोर टू डू विद रैंक, रैंक इज ओके समथिंग आई अंडरस्टैंड। मैं इस पे बोलूंगा अभी वुमेन्स एशियन कप मतलब जो होने वाला था उसमें हम होस्ट थे, फिर भाई मतलब हमारा बबल ही ब्रीच हो गया, तो जहाँ पे अच्छा खासा चांस था हमारे पास न्यूमरस चांसेस थे। तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बताए उसमें कि भाई इंडिया क्वालिफाई ना करे उसके मतलब वो तरीका ढूंढ लो, इंडिया क्वालिफाई करने के ज्यादा चांसेस है, बट फिर आके ये वाला भाई पहला मैच हो तो वो वाली बात है यार। नहीं यार एट द एंड ऑफ द डे वही है, मतलब इट्स नॉट जस्ट रैंक, यू हैव टू एक रिसोर्सेज होती है, एक यू नो मैनेजमेंट होती है, आपको बिहाइंड द सीन्स यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ यू नो सपोर्ट। मतलब इट्स इजी, हम लोग को बहुत इजी है बोलना है लाइक यू नो अगेन वुमेन्स फुटबॉल में कितना एज इन दे कैन नॉट से दैट दे कैन जस्ट लिव ओनली ऑन दैट अभी आज के दिन में। तो वो एक सीन हमें बनाना है दैट कम्स फ्रॉम यू नो द बैकरूम स्टाफ जो भी करते हैं ना वो मतलब बबल ब्रीच करना, दैट इज अगेन दैट वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो हुआ था लास्ट 12 मंथ में इंडियन फुटबॉल के साथ। लेकिन लास्ट ईयर एटीके मोहन बगान दिया ये भी एक और चीज है गाइस। 48 लोग देख रहे हो, 20 लाइक रहते हैं, 100 लाइक्स करा दो स्ट्रीम पे तो बढ़िया रहेगा। हाँ यार मतलब टारगेट 200 है, होपफुली सब लोग करें बाय द टाइम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हाँ वो ये थोड़ा जल्दी करा हुआ स्ट्रीम नॉर्मल टाइम से, लेकिन होपफुली यार सब लोग को अच्छा लगे। और यार इंटेंट हमेशा रहता है भाई, मतलब शोभित नोज इट, हमने बात की है डिस्पाइट स्टेइंग अब्रॉड फॉर अ गुड फ्यू इयर्स, अभी यार वापस इंडिया आया हूँ मैं। आई हैव ऑलवेज फॉलोड इंडियन फुटबॉल और यार आई लव शोभित कंटेंट, तो बाई चांस आपने नहीं किया फुटबॉल नुक्कड़ को प्लीज करिए बिकॉज यार काफी सीखने को मिलता है। मतलब वही आप अगर मिस किए हो बिगिनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रीम we try to explain क्या ग्रुप्स है, क्या बेसिकली फॉर्मेट है, क्योंकि यार यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप जैसे आप नेशंस लीग देखते हो, जैसे आप यूरोस देखते हो या बेसिकली यू नो वर्ल्ड कप देखते हो, वैसे ही आप यू ट्राई एंड फॉलो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो यार बेस्ट मतलब प्रीव्यू यार बढ़िया था ये वाला, मतलब हमने तो सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिया है, फॉर्मेट कवर कर लिया, जो कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने बोला है सब कवर कर लिया है, एंड क्या क्या चीजें खराब चल रही है। तो जरूर देखना यार, ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स भी अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रीव्यू तो मैं नहीं कर रहा इस मैच का, तो आप देख सकते हो यार इस स्ट्रीम को पूरा। बिल्कुल बिल्कुल थैंक्स। और ये मतलब वही है, मतलब लाइक आई ऑलवेज से इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, हम कवर करेंगे जितना हो सके। हाँ मतलब हम लोग भी यू नो ट्राई करें टू गेट टू नेक्स्ट लेवल, अगर हम यू नो वी काइंड ऑफ ग्रो होपफुली यू नो वी विल हैव एक सेक्शन प्रॉपर खाली इंडियन फुटबॉल कंटेंट के लिए। लेकिन अभी के लिए यार फॉर मी लाइक शोभित है, संदीप पंडित है, यू नो लॉट ऑफ अपने जो भाई लोग हैं यू नो दे आर डूइंग लॉट्स, आई एम ट्राइंग टू ऐड एज मच एज पॉसिबल। लेकिन आइडिया इज लाइक आप लोग भी जो भी देख रहा है उनको भी बोलूंगा ना ऐसे, इसलिए मत शेयर करिए ये वाला स्ट्रीम पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी और बिकॉज ऑफ फुटबॉल नुक्कड़, डू इट बिकॉज ऑफ इंडियन फुटबॉल। ठीक है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ बिकॉज इसलिए मैं काफी चीजें कवर करने की कोशिश की इसमें, क्योंकि यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पर हो सके तो रीच आउट करें। भाई रंजीत बजाज सर इतना हेल्प करते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट वी एज बेसिकली जो देखते हैं और जो खेले हैं फुटबॉल इंडिया में वी अंडरस्टैंड मोर प्रॉब्ली। बट हाँ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक भाई, मतलब फाइनल थॉट्स क्या है? मतलब नहीं एक बार ओल्ड स्कूल प्योरिस्ट का एक ओल्ड स्कूल प्योरिस्ट का क्वेश्चन अच्छा था। हां डेफिनेटली लीजिए। Do ISL clubs have funds to set up their own academies, getting regional talents and grooming them from grassroots can improve India's level as a whole? भाई एक दो ही क्लब है जिन्होंने पैसा है, ऐसा नहीं बोल सकते पैसा नहीं है। आपकी गोवा ने अपनी अकेडमी सेटअप करी थी एंड BFC वालों ने अपनी अकेडमी सेटअप करी थी एंड जमशेदपुर की तो टाटा अकेडमी है, मतलब मोस्टली टाटा अकेडमी से उनके प्लेयर्स आ जाते हैं। इन सब क्लब्स ने करी है, कुछ क्लब्स ने नहीं भी करी हुई, तो कर रहे हैं ये क्लब्स, काम तो कर रहे हैं। बट हाँ अगर सारे क्लब्स अपनी एक अकेडमी सेटअप कर देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे, मतलब क्या बोलते हैं पूल ऑफ टैलेंट बढ़ जाएगा यार फॉर श्योर। एग्जैक्टली मतलब मैं फॉलो करता हूँ बारसा की जो है ना, मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ, मतलब जो रोज आते हैं अपडेट्स ना, मतलब अगेन आई नो दैट काफ़ी फैन ग्रुप्स भी है, लेकिन वही है फैन ग्रुप्स के पास अगर नेटवर्किंग है That is something that हम basically can also contribute वहाँ पर जहाँ हो सके। तो जितना हो सके तो मैं बोलता हूँ सब लोग या आप फैन ग्रुप्स में भी आप ज्वाइन करो, आप उनके खैर सोशल मीडिया यू नो पोस्ट पर ही लाइक करो, कमेंट करो, जितना ज्यादा वॉइस करे ना वैसे ही बढ़ेगी। And that's why we can network more. Indian football can you know I think किसने बोला था, I think पीटर श्माइकल ने बोला था you know the legend कि अगर हम हर एक जन जो पंडित है ना और जो भी देख रहा है फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल को अगर सपोर्ट करे I can guarantee you India will be in the next World Cup. इतना मतलब I know वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। और सोल कैम्बेल का भी कुछ आया था, उनका भी कुछ मतलब उन्होंने भी इंडियन फुटबॉल के, बट वो पीआर मूव भी हो सकती है, क्या हो सकती है पता नहीं, बट लेजेंड्स तो बोल ही हैं। लेकिन यार थोड़ी सच्चाई भी है उसमें, सच में बोलता हूँ तो यार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खुद यार मैं कॉलेज लेवल पे खेलता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट। क्रिकेट तो खैर मैं काफी खेला हूँ मतलब यू नो सेमी प्रोफेशनल, लेकिन फुटबॉल इट वाज मोर लाइक शौकिया ऑलवेज फ्रॉम ऑलवेज राइट। और मुझे याद है मेरे कॉलेज में भाई इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स थे, इतने बढ़िया सुपर मतलब यू नो मैं तो बोलता हूँ भाई ये कहाँ से टपा आया, लेकिन दे डिडंट टेक फुटबॉल सीरियसली, क्यों? हमें पता है उसका क्या है, यू नो दैट इज द ओनली रीजन। तो है प्लेयर्स आर देयर, इट्स जस्ट दैट दे नीड द ग्रूमिंग, दे नीड बेसिकली द बैकिंग। वो शुरू हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आईएसएल इज एन अपॉर्चुनिटी, वैसे ही बेसिकली और बढ़ाना है उसको, उसको कम नहीं करना एब्सोल्युटली। या एकेडमीज विल सर्टेनली हेल्प, बट अगेन यार अच्छा लगा काफी दिनों बाद बात की। होपफुल यार अभी 3 मैचेस है, वी विल हैव मोर डिस्कशंस एंड होपिंग फॉर द बेस्ट दैट इंडिया प्लेस और ऑफ कोर्स बीट करे कैम्बोडिया। तो क्या कंसीडरिंग की मैच होता है एंड ऑफ कोर्स पूरा ग्रुप भी होता है, व्हाट इज द प्रेडिक्शन आज रात के लिए और ग्रुप के लिए? आज रात के लिए तो मैं चाहूँगा 3-0 टू इंडिया एंड इंडिया टॉप कर जाए ग्रुप को, यही प्रेडिक्शन है मेरी। चलो 3-0 मैं बोलता हूँ यार, मतलब अगेन कैम्बोडिया जिस ढंग से बेसिकली आया ना ऑफ फील्ड, मुझे लग रहा है कि यार अगर एक गोल कंसीड करें आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, लेकिन अगेन आई एम गोइंग विद 3-1 इंडिया। और मैं चाहता हूँ यार थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिले, बहुत दिन कोलकाता में हो रहा है मैच, hopefully that is something that I'm really looking forward to। लेकिन हाँ 1-0 इंडिया, ninja gaming बोल रहे हैं। ये कमेंट आया था मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल वाला, उनकी तो है यार, वो तो पुराने सबसे ओल्डेस्ट क्लब्स है यार उनकी है। मैं अभी रिसेंटली आईएसएल क्लब्स की बात कर रहा था, मतलब मोहन बगान को मैं लाइक नेशनल क्लब ही मानता हूँ, तो उस हिसाब से वो नहीं, मैं अभी रिसेंटली अभी के क्लब्स की बात कर रहा था। Yes, बिल्कुल वो एग्जांपल्स है, बट ऐसे बहुत सारे क्लब्स को ऐड ऑन करना है और वो होगा यार, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं तो मतलब अगेन मैं जस्ट टू शेयर विद पीपल, बेंगलुरु एफसी इज माइन, तो मैं जस्ट मतलब ये भी शेयर करना चाहूंगा, मैं अभी एक्चुअली एक इवेंट के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पर आई एम होपिंग टू मीट यू नो एटलीस्ट समवन, तो होपफुली यू नो आई कैन एटलीस्ट पुट इन द वर्ड कि यार एटलीस्ट कुछ चाहिए तो यार हम कुछ कर सकते हैं यार आपके लिए, जो भी चाहिए, बिकॉज सपोर्ट है यार, इज जस्ट अबाउट यू नो कीपिंग दैट सपोर्ट और कीपिंग फेथ। थोड़ा सा पेशेंस रखो एवरीवन एंड बैक आवर टीम, डेफिनेटली आप क्रिटिसाइज भी करो लेकिन साथ साथ में, दैट इज द मस्ट एब्सोल्युटली। अरे एब्सोल्युटली 100% एग्री विद राजेश यहाँ पर, क्योंकि यार इज जस्ट अबाउट नर्चरिंग देम, लेकिन वही आपका अगर बैकग्राउंड स्टाफ क्लियर नहीं होता ना, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन अगेन यार अच्छा लगा, सब लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड रिमेंबर हम हमारे 2 चैनल से, दूसरे चैनल पे हम विल बी लाइव टुमारो, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे भी प्राइमरीली फुटबॉल ही करते हैं, वहां पर ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल करते हैं हम जनरली, यूरोपियन फुटबॉल, लेकिन वॉच अलोंग्स टुमारो वी आर कवरिंग सम क्रिकेट एज वेल वहां पर, तो क्रिकेट वॉचर जो भी है वी आर डूइंग क्रिकेट प्री मैच और वॉच अलोंग ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली विल गेट मोर फुटबॉल कंटेंट एज ऑलवेज। एंड अगेन बाई चांस आपने नहीं किया है फुटबॉल नुक्कड़ को, प्लीज करिए, शोभित ही इज रियली वर्किंग हार्ड एंड ऑफ कोर्स कुछ भी फीडबैक हो फॉर अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और ऑफ कोर्स थैंक एवरीवन। इंडिया कम ऑन, निकालो।